नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। कैसे भी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये पौधा जड़ से खत्म कर देगा। जीवन में लाए बाहर सदा बाहर, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डायबिटीज के पेशेंट और ब्लड प्रेशर और कैंसर के पेशेंटों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, लेकिन इसके गुण ना मालूम होने के कारण इसे खरपतवार की श्रेणी में रख कर हम इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये साधारण से दिखने वाला पौधा कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अत्यंत फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। इस पौधे का नाम है सदाबहार। इसे सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 12 महीने पूरे वर्ष इसमें फूल आते हैं और इसीलिए इसे बारहमासी या सतपुष्पा भी कहा जाता है। संस्कृत में से सदा पुष्पा नित्य कल्याणी, हिंदी में सदाबहार सदा सुहागिन सदा सुहानी, उड़िया में एंस्ट काटी, कन्नड़ में सदा पुष्पिया कानीगालू और गुजराती में बारहमासी, तमिल में सुद कदु मल्लिकई, तेलुगु में बिल्ला गन्नेरू, बंगाली में गुलफेरिंगी नयनतारा और तीन रासना कहा जाता है। नेपाली में इसे सदाबहार कहते हैं, मराठी में सदाफूल, मलयालम में उषा मल्लारी, अंग्रेजी में मेडागास्कर पेरीविंकल ओल्ड मेड, इंडियन पेरीविंकल्स विनका रोज पेरीविंकल्स कहते हैं। इस साधारण से दिखने वाले पौधे को इसके गुणों के कारण संजीवनी भी बोला गया है। आइए जान लेते हैं इसके गुण और प्रयोग का। आज हम सबसे पहले डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। सदाबहार के पूरे पौधे में लगभग 150 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं जिनका हाइपोग्लाइमिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट रक्त में शुगर के लेवल को कम करने के लिए बेहद लाभकारी है। ये एल्कलाइड्स प्रक्रियांश की बीटा सेल्स को शक्ति प्रदान करता है जिसे पैनक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन निकालने लगता है। इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को संतुलित करके रखता है, इसलिए ये दोनों प्रकार के शुगर के रोगियों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। डायबिटीज में इस पौधे के फूल, पत्ते, टहनी आदि का रस भी पी सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर खाएं, या रात को 5 पत्ते एक गिलास पानी में भिगा कर रख दें और सुबह खाली पेट शौच के बाद इस पानी को पीजिए, और चटनी भी खाली पेट ही लेनी है। इसको करने के 10 दिन बाद अपनी शुगर जांच करवाएं, आपको निश्चित ही फायदा होगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है तो इसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए इसकी जड़ को साफ करके सुबह चबा चबा करके खा लीजिए या फिर दातुन की तरह चबा चबा कर इसका रस पीते रहें और बाद में इसके अवशेष को फेंक दें। इसके साथ में आप सर्पगंधा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। सर्पगंधा आप किसी पंसारी से ले सकते हैं। अगर सर्पगंधा ना मिले तो भी आप अकेले सदाबहार की जड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।